और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसपी प्रमुख मायावती ने दिया है बयान जिसमें वो ये कह रही हैं कि वाराणसी में वोट देने के लिए लोगों को धमकाया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यहां पर एक बार फिर बड़ा हमला करते हुए बीएसपी प्रमुख मायावती, काशी जीतने के लिए लालच और धमकी दी जा रही है। बंगाल की तरह ही वाराणसी पर भी इलेक्शन कमीशन की नजर क्यों नहीं है? बीते दिनों में एक के बाद एक प्रधानमंत्री पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं मायावती ने, और यहां पर एक बार फिर बंगाल की तर्ज पर वाराणसी में कदम क्यों नहीं उठाया गया, इस बात का जिक्र करते हुए चुनाव आयोग से भी सवाल पूछा। आपको बता दें, बंगाल में चुनाव प्रचार एक दिन पहले ही खत्म कर दिया गया धारा 324 के तहत, जिसके बाद अब मायावती ये कह रही है कि क्यों वाराणसी में भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, इसके लिए चुनाव आयोग को ऐसा कदम वाराणसी के लिए भी उठाया जाना चाहिए था, क्योंकि लालच और धमकी वहां पर वोटर्स को दी जा रही है। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।